इंदौर में आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने पंचवटी कॉलोनी रेलवे ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया है। कोरोना के कारण व्यापार जगत पूरी जगह से ठप पड़ा था, जिसके कारण कई लोगों को आर्थिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बता दें, इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी के पास बने रेलवे ट्रैक पर एक युवक ने अपनी जान दे दी। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है। मृतक की पहचान अनिल ताइड़े के रूप में की गई है। मेरे पिताजी थे और उनके ऊपर बहुत कर्जा था। कर्जे के कारण उनको आए दिन ना सब परेशान करते थे कर्जे के लिए। और अभी भी 6 महीने पहले मेरे मम्मी शांत हुए थे, उनके लिए भी बहुत आवेदन लगाए मैंने। सब दूर घुमा, नगर निगम भी गया था, पर किसी ने हेल्प नहीं करी। और अब मैं, एक छोटी सी मेरी बहन है 14 साल की, वो अकेली है और मेरी मम्मी भी चले गए और पापा भी नहीं। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद में अब कर्ज वाले वापस मुझसे कर्जा मांगेंगे, मैं कहाँ से दूंगा अब अकेले। 2 लाख रुपये सब अलग अलग है, मतलब परिचित ही थे और कर्जे वाले भी है, जैसे खजाना साइड रहते हैं, बाकी कुछ स्कूल से पैसा लिया था मम्मी ने, वो भी मेरे मुझे ही देना है। अब मैं कहाँ से दूंगा क्या। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया है। रेलवे ट्रैक से कटने का मामला है, पंचवटी काकड़ के पास रेलवे ट्रक के पास लाश कटी है, थोड़ा सुसाइड का मामला लगे, जांच जारी है। आर्थिक तंगी की वजह से वो आर्थिक तंगी के कारण बता रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं, किसी से कोई परेशानी। मैं भी जान जाए 52 साल हूँ। अनिल ताड़े, पंचवटी के रहना, पंचवटी इंदौर। फिलहाल पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इंदौर से क्राइम भाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।